अगर आप भी मेरी तरह वीडियो बनाते हो या वीडियो से फ़ोटो से रिलेटेड कुछ भी काम करते हो तो कभी ना कभी आपके भी मन में आया होगा कि काश यार मेरा भी एक स्टूडियो हो। तो भैया आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही स्टूडियो को सेटअप करने जा रहे हैं जिसको सेटअप करने में तकरीबन 1 से 2 हफ्तों का समय लगा था, जिसमें हमने कुछ पल कैद किए हैं वो आपके सामने पेश करना चाहूँगा। तो यार इसको हम लोगों ने 3 स्टेप में बांटा है, तो बिना किसी वेस्ट करते हुए टाइम को पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारा आज हो रहा है स्टूडियो का वॉशिंग हो रहा है, नया स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कारपेट वगैरह लगाएंगे अपन, और वो बिल्ला बिल्ला हवा ले रहा है क्योंकि झाड़ू बहुत लगाया है, पसीने आ गए वो। अपना पहला स्टेप जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और अब बढ़ेंगे हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ जो कि है कारपेट लगाने वाला। तो कारपेट लगाते समय भी हम लोगों ने कुछ कुछ मस्तियाँ की है, तो आप इंजॉय करो यार, बढ़िया यार। तो अभी समथिंग एक साइड का हाफ वाला कंप्लीट होने वाला है और सब के सब अभी इसको शूट कर रहे हैं। तो भैया 2 स्टेप तो हम लोगों ने मज़े में कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हम लोग बढ़े 3रे स्टेप की तरफ जो कि है प्रोलाइट और पर्दा लगाने वाला। सो पर्दा लगाने वाला और प्रोलाइट लगाने वाला थोड़ा दिमाग वाला काम है, तो आप इंजॉय करो यार। वाटर पैक्स भी हम लोग का ये पर्दा लग गया है और पर्दा लगाने के बाद हम लोग अभी लगाएंगे अपना ये। सो बेसिकली भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का पर्दा जो है लग चुका है और इसके बाद अब हम लोग लगाएंगे प्रोलाइट, जिसके लिए हम लोग को ड्रिल करना पड़ेगा। सो एंजॉय कीजिए यार लास्ट स्टेप। अरे यार फाइनली हम लोग का 20% कितना भैया 50%, सो फाइनली हम लोग का 50% स्टूडियो जो है रेडी हो चुका है और अभी 50% बचा है कुछ कुछ, जैसे ये प्रोलाइट हो गया ये देखिए, और इधर का पर्दा वगैरह काम हो गया, ये हेड पे इफेक्ट मारने वाला भी रेडी हो गया, और बस यहाँ का थोड़ा साफ सफाई बचा है और कुछ और ऐसी सीरीज़ है यहाँ से रिलेटेड वो बचे हैं, उसके बाद मेन स्टूडियो सेटअप पूरा आपको कराएंगे। 50% काम कंप्लीट होने के बाद मैं बाहर चले गया था, तो पूरा स्टूडियो जो है कंप्लीट हो चुका है, अभी थोड़ा सा आप टूर कर लीजिए यार, देख लीजिए क्लोजअप शॉट।